हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धीरू मौंचिक और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी की। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कैरी नाइटी ने रजत दलाल के ऊपर जब रोज स्टूडियो निकाली थी, तो उसके बाद रजत दलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और कैरी से कहने लगे थे कि मेरे पार्ट को ट्रिम करो। फिर दोस्तों, कैरी नाइटी ने रजत दलाल का पार्ट ट्रिम कर दिया था। पर दोस्तों, जो धीरू मौंचिक थे वो कैरी नाइटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कैरी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अब खुद धीरू मौंचिक ने रजत दलाल को रोज करते हुए एक वीडियो बनाई। तो उन्होंने वहां पे क्या कहा, जरा देखिए। शुरू में पता लगा था मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि कैरी ने क्यों हटाया, बट कैरी का वीडियो उसका डिसीजन है, उसके ऊपर छोड़ते हैं। बट उसके बाद अभी रजत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करा है जिसमें कोई तुक कोई पैर नहीं है और रिएक्ट करते हैं उस पे। बाकी तो कोई और करेगा नहीं क्योंकि सारे रजत के दोस्त हैं और अपने दोस्त की गलतियां कहां ही बताते हैं भाई, खासकर उसकी जिसकी वजह से जिन्हें फायदा हो। आपने एक शब्द यूज करा छपरी, 3 महीने की कंट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। अच्छा, पहले डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल। डिस्ट्रिक्ट भाई, तुझे जानते किस लिए है लोग, ये तो सोच ले पहले। 3 महीने से ही जानते हैं तुझे, कंट्रोवर्सी के लिए जानते हैं। तो फिर जो तुम्हारे मेडल्स हैं, जो अचीवमेंट है, उनका क्या करें लोग, उनकी वजह से नहीं जान रहा भाई। मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल है। 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूँ, बहुत जबरदस्त, जो बढ़िया चलेगा, और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पे पैर नहीं रख सकते। वाह रजत भाई, यू आर टू स्मार्ट। नाटी नाटी रुक जा भाई, मेरा जो पॉइंट है उसे रखने के लिए मुझे 1 मिनट। ओके, 41 मिलियन। हाँ तो भाई, क्या कह रहे थे कि कोई 4-5 साल ट्रेनिंग करके तुम्हारे जितने मेडल नहीं खरीद सकता। जीत सकता, खरीद नहीं, मैं जोक नहीं मार रहा था, निकल गया मेरे मुंह से ऐसे। भाई तो तुम भी 4 महीने में एक रोज वीडियो बना के 40 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं गेन कर सकते, एक डायमंड प्ले नहीं ला सकते घर पे। समझे, कौन लिख रहा रजत भाई तुम्हारे आर्गुमेंट, कौन बता रहा तुम्हें, किसकी बातों में आ रहे, सही सही बताओ। चलो, ये मैक्सन तो नहीं है कहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आशीष सोलंकी और अश्नीर ग्रोवर की कंट्रोवर्सी पर। हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई। तो आपको पता ही होगा आशीष सोलंकी एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चैनल पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो डाली थी। वहां पे उन्होंने अश्नीर ग्रोवर को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था। पर दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर उस चीज से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए और उन्होंने आशीष सोलंकी को लीगल नोटिस भेज दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने वाला हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ। पर दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे लोग अश्नीर ग्रोवर को हेट देने लग गए, कहने लग गए कितना फट्टू है तू, इतना अमीर होने के बावजूद भी किसी के जोक को अच्छी तरह नहीं ले सकता। और दोस्तों, आपको याद होगा शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर की एक फेमस लाइन थी दोगलापन की। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोग अश्नीर ग्रोवर को यही कह रहे कि असली दोगला तो तू ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ कि आशीष सोलंकी ने अश्नीर ग्रोवर के ऊपर क्या कहा था, जरा देखिए। टीवी पे लोग टैलेंट दिखाने जाते हैं, ये औकात दिखा के आ गए, समझ गए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अपनी कंपनी से कौन निकला जाता है यार, ये आदमी किसी का बॉस होगा। सोच रहे हो, एम्प्लॉय से पूछा अप्रेजल चाहिए, सर नस काट दो, मैं जीना नहीं चाहता। सो अब हम उन्हें बुलाएंगे जिनका थैंकफुली कॉर्पोरेट करियर इज ओवर। प्लीज वेलकम, मेक सम नॉइस एंड वेलकम। दोस्तों, अपना शो बनाने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मुझे अभी भी पता चला। और पता ये चला कि ये जो हमने एपिसोड शूट किया था, इसके बाद हमें हमारे गेस्ट ने बताया कि ये वाले जोक्स वो बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं। तो अब हमें बहुत सैडली उनका पूरा पार्ट काटना पड़ेगा और आप केवल वो वाला हिस्सा देख लीजिए, इंजॉय कर लीजिए, जिसमें हमने कॉमिक्स ने एक दूसरे पर जोक्स मारे हैं, और क्योंकि हम लोग तो जोक झेल लेते हैं। Enjoy. तो दोस्तों, अब बात करते हैं थाराबाई जोगिंदर और एलविश यादव की। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि थाराबाई जोगिंदर कभी एलविश यादव के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और कभी साथ में खड़े हो जाते हैं। पर दोस्तों, जब एलविश यादव का बुरा समय चल रहा था, तो थाराबाई जोगिंदर उनके साथ थे। तो अब उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ और वहां पे उन्होंने अपनी और एलविश यादव की पुरानी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करी और कहा कि मैं एलविश यादव से ज्यादा फेमस हूं, अगर हम दोनों को एक साथ। अब एलविश की मेरी लड़ाई चल रही थी, तुमसे ज्यादा तो किसी को पता नहीं होगा। उस टाइम सबसे पहले पोक किसने किया था बताओ? एलविश ने। भाई, एलविश को जोगिंदर का नाम चाहिए था। पहली वीडियो उठा के देख लो, उठाओ सोच लो, ढूंढ लो जहां से ढूंढना है। ठीक है, एल्विस ने मेरे को रोस्ट मारा था पहली बार, मारा था। किसने पहले मेरे को रोस्ट मारा बताओ? एल्विस ने मारा, वो इसलिए मारा कि भाई तुम्हें फेम की जरूरत थी। मेरे को जरूरत नहीं थी भाई, जोगिंदर शेर है, वन मैन आर्मी भाई जोगिंदर। अगर ऐसी बात होती तो शायद एल्विस मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाता। भाई मेरे को क्यों फेम चाहिए किसी से, मैं तो एलविस को जानता भी नहीं। अच्छा, आपसे हाइप लेने के लिए? हाइप मैंने बोला ही नहीं, हाइप लेने के लिए। बात ये हुई है कि पहले किसने एल्विस के ऊपर रोस्ट मारा, एल्विस ने मेरे ऊपर मारा है भाई। आपको लोग जानते नहीं थे, उसने एल्विस ने रोस्ट मार के दो लोग आपको जानने लग गए। अच्छा, ऐसा है क्या? एल्विस अभी बिग बॉस कर गया है, उसको भी खड़ा कर दो सड़क में मेरे साथ, देख लो किसके अंदर कितनी पावर है। तो आप भीड़ में रहोगे? भीड़ में नहीं रहूंगा भाई, भीड़ में वो रहेगा। अच्छा, वो भीड़ में? हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं भाई, बड़ी बात है भाई, आज के टाइम के अंदर हर आदमी स्टार।